प्रिय साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह गणित शिक्षा से संबंधित हूँ। आज हम 5 ई अधिगम मॉडल द्वारा गणित सीखने पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गणित विषय प्रारंभिक स्तर पर एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि बच्चे को गणित सिखाने का क्या अर्थ है। प्रत्येक बच्चा गणित में प्रवीणताएँ हासिल करे, अर्थात गणितीय अवधारणाओं को समझे। प्रत्येक बच्चा गणित में रुचि ले, बच्चे को विश्वास हो कि वह समझ चुका है। बच्चे गणितीय संक्रियाओं तथा गणितीय कौशल को सही से पूरा करें। बच्चा दैनिक जीवन की घटनाओं को गणितीय भाषा में बदल सके तथा उसे प्रदर्शित कर सके। बच्चा दिए गए गणितीय संकेतों को अपने दैनिक जीवन से जोड़ सके। बच्चा समस्याओं को हल कर सके, तार्किक शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति का विकास कर सके। बच्चा स्वयं समस्या निर्माण कर सके। गणितीय सीखने सिखाने के बहुत से उपागम हो सकते हैं। इन उपागमों में रचनावाद एक महत्वपूर्ण उपागम है, जो एक विद्यार्थी केंद्रित उपागम है। रचनावादी उपागम में बच्चा अपने आप से अंतःक्रिया करते हुए स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इस उपागम में सर्वप्रथम प्रत्येक अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा बच्चे स्वयं करते हुए सीखते हैं। दूसरा, इसके पश्चात मूर्त वस्तुओं को चित्रों के रूप में दिखाते हुए उसी अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। फिर अवधारणा को गणितीय संकेत चिन्हों से सिखाया जाता है। अंत में विद्यार्थियों को मानसिक गणित, अमूर्त चिंतन, इबारती समस्या तथा गणितीय अवधारणाओं का दैनिक जीवन में उपयोग के विविध संदर्भों पर आधारित चर्चा के अवसर दिए जाते हैं, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी में प्रत्येक अवधारणा की ठोस समझ सुनिश्चित हो सके। आइए अब बातचीत करते हैं 5 ई अधिगम मॉडल की। गणित शिक्षण का 5 ई अधिगम मॉडल सीखने के रचनावादी उपागम पर आधारित है। अधिगम के इस मॉडल में बच्चे 5 क्रमिक चरणों में सीखते हैं। ये चरण इस प्रकार हैं। प्रथम चरण, एंगेजमेंट चरण, अर्थात पूरी कक्षा को सीखने के लिए संलग्न करना। दूसरा चरण, एक्सप्लोर चरण, अर्थात अन्वेषण करना, मायने खोजबीन या जांच परख करने के अवसर देना। तीसरा चरण, एक्सप्लेनेशन चरण, अर्थात व्याख्या या विवरण प्रस्तुत करना। चौथा चरण, एलोबोरेशन चरण, अर्थात विस्तार करना। पांचवा एवं अंतिम चरण, एवेल्युएशन चरण, अर्थात मूल्यांकन या आकलन करना। आइए इन चरणों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। जैसे कि आपने देखा, पहला चरण, पूरी कक्षा को सीखने के लिए संलग्न करना। इस चरण में बच्चों को कक्षा कक्ष में विभिन्न अधिगम कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। यह अधिगम कार्य कोई क्रियाकलाप, कोई भी एक घटना, कोई विशेष संदर्भ या कोई अन्य विशिष्ट उदाहरण, कोई भी कहानी या दृष्टांत आदि हो सकता है, जहां पर बच्चे को अपने पूर्व के अनुभवों को, पूर्व के ज्ञान को वर्तमान विचारों से संबंधित करने का अवसर प्राप्त होता है। इस चरण में अध्यापक के द्वारा किए जाने वाले कार्य, सबसे पहला कार्य बच्चे के पूर्व ज्ञान की पहचान करना और अधिगम में उनकी अवधारणात्मक गलतियों को पहचानना है। अधिगम के इस मॉडल के 5 स्तरों में से प्रथम स्तर पर बच्चे का ध्यान अपनी ओर खींचने तथा विषय से संबंधित बच्चों की सोच को जानने की कोशिश करना है। बच्चों के दिमाग में प्रश्न पूछने की जिज्ञासा पैदा करता है, उनकी सोच का उद्दीपन करता है और उनके पूर्व ज्ञान तक पहुंच बनाता है। आइए एक उदाहरण के जरिए इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप कक्षा 6 के बच्चों को भिन्न की अवधारणा सिखाने जा रहे हैं, तो
तो आप विविध क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों को व्यस्त कर सकते हैं। इनमें उनके भिन्न को सीखने के पूर्व के अनुभव भी शामिल होते हैं। जैसे सभी बच्चों को कुछ कागज के टुकड़े जो वृत्ताकार वर्गाकार आकृति के हो सकते हैं, कुछ वस्तुओं का समूह या कुछ धागे वितरित कीजिए और उन्हें इनको दो बराबर भागों में बांटने के लिए कहिए। बच्चे कागज या धागों या कुछ वस्तुओं के समूह को या तो समान भागों में विभाजित कर सकते हैं या असमान भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन गतिविधियों में बच्चे विविध क्रियाकलापों के द्वारा अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग नई अवधारणाओं को सीखने में करते हैं। जैसे वो पहले से ही चॉकलेट का बंटवारा, माँ के द्वारा रोटी का बांटना इत्यादि कई पूर्व अनुभवों से परिचित हो सकते हैं, जो आधे की अवधारणा सीखने में सहायता करते हैं। उद्देश्य होता है कि वर्तमान गतिविधि के अधिगम संकेतकों की प्राप्ति की ओर बच्चे की सोच को संगठित करना। दूसरा चरण, अन्वेषण करने का चरण। अन्वेषण के चरण में बच्चों के पास किसी घटना एवं सामग्री में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का अवसर होता है। बच्चे अपने आप को इस प्रकार की क्रियाकलापों में शामिल करके अपने अनुभवों के आधार को विकसित करते हैं। इस चरण का एक महत्वपूर्ण गुण बच्चों का समूह में कार्य करना है। जैसा कि बच्चे इस चरण में टीम में साथ साथ कार्य करते हैं, इससे बच्चों के समान अनुभवों का आधार तैयार होता है, जो उनके लिए संप्रेषण एवं सहभागिता में सहायक सिद्ध होता है। आपको बच्चों की गतिविधि में ध्यान लगाने में मार्गदर्शन करना चाहिए, सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए और साधन उपलब्ध कराने वाले के रूप में भूमिका निभानी चाहिए। अन्वेषण के दौरान बच्चों के पूछताछ करने की विधि ही अधिगम को आगे बढ़ाती है। बच्चे पहले व्यक्तिगत रूप से अन्वेषण करते हैं और बाद में वे समूह में कार्य करते हैं और निष्कर्ष प्राप्त करते हैं कि भिन्न पूर्ण का एक भाग है। जब पूर्ण को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक भाग पूर्ण का आधा कहलाता है। अंत में गणितीय रूप में यह भी बताया जा सकता है कि यह 1/2 के रूप में लिखा जाता है। आपको यह कार्य करना होता है कि बच्चे नई अवधारणाओं या नए कौशलों को सीखने में समूह में मिलकर क्या कार्य कर सकते हैं, बच्चों को किस प्रकार प्रेरणा दी जा सकती है या प्रेरणात्मक कार्य क्या हो सकते हैं। कार्य में अन्वेषण के दौरान कौन से पूर्व अनुभव की आवश्यकता होगी, जैसे आधे से संबंधित अवधारणा सिखाने के दौरान आपको ऐसे दो बराबर हिस्सों का चयन करना है जिनसे मिलकर एक पूर्ण बनता हो तथा जिससे बच्चे परिचित हों। ये पूर्व अनुभव या घटनाएं या वस्तुओं का अवलोकन अधिगम सामग्री, वीडियो प्रदर्शन या मुद्रित सामग्री का पठन हो सकते हैं। ये पूर्व अनुभव बच्चों को सीखने के समान अवसर एवं समान आधार प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम बच्चों को नई अवधारणाओं की पहचान तथा कौशलों को सीखने में सहायता करके कर सकते हैं। तीसरा चरण, व्याख्या या विवरण प्रस्तुत करना। व्याख्या एक ऐसा बिंदु है जिस पर बच्चा अपने अमूर्त अनुभवों को रखने की शुरुआत करता है, अर्थात बच्चे ने कक्षा में जो सीखा है या प्रथम दो चरणों के दौरान उसे जितना अनुभव हुआ है, अब वह उसे अपने शब्दों में बताए या कक्षा कक्ष में चर्चा के द्वारा अपनी अवधारणात्मक कमियों को दूर करें। आप अवधारणाओं को केवल तभी स्पष्ट करेंगे जब बच्चे समूह में कार्य करने का एक समान अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस चरण में आपकी भूमिका यह स्पष्ट करने की है। उसका मतलब यह नहीं है कि आप बच्चों को चर्चा में शामिल नहीं करेंगे। अध्यापक के स्पष्ट करने का स्तर
बच्चों की समझ और नासमझ पर निर्भर करता है। इस चरण में बच्चों में नई अवधारणा से संबंधित शब्दावली के विकास एवं उपयोग करने, नई अवधारणा से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने या बच्चों द्वारा की गई गलतियों के निराकरण संबंधी कार्य किया जाता है। हमारा कार्य यह सोचने का होता है कि हम बच्चों की नई अवधारणाओं के अर्थ में रचना करने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, बच्चों की नई अवधारणाओं को उनके समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए, नई अवधारणाओं को समझने में क्या क्या शब्दावली महत्वपूर्ण है, जैसे बच्चे आधे, पूर्ण, हिस्से, बराबर हिस्से इत्यादि शब्दों से परिचित होते हैं तथा उनका उपयोग बातचीत में करते हैं। इस चरण में बच्चों द्वारा अन्वेषण चरण के दौरान किए गए अनुभवों की व्याख्या करने के अवसर होते हैं। प्रश्न और विचार विमर्श बच्चों को पैटर्नों को समझने, समानताओं को समझने तथा उन्हें अपनी शब्दावली में बता पाने में सक्षम बनाता है। चौथा चरण विस्तार करने का चरण। विस्तार करने का चरण बच्चों के ज्ञान को नई स्थितियों में लागू करने का अवसर प्रदान करता है। अर्थात बच्चों ने प्रथम तीनों चरणों के दौरान जिन अवधारणाओं को आत्मसात किया है उन्हें वह किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकते हैं, जिसमें नए प्रश्नों को उठाना और अन्वेषण के लिए परिकल्पना बनाना भी शामिल है। बच्चों ने पहले तीन चरणों में जो सीखा है उसको इस अवधारणाओं पर लागू करते हैं और अन्य अवधारणाओं से भी संबंध बनाते हैं तथा अपनी समझ को अपने चारों ओर के वास्तविक संसार में लागू करते हैं। इस चरण के दौरान हमारा कार्य यह सोचने का होता है कि हम बच्चों की नई अवधारणाओं के अर्थपूर्ण ढंग से उपयोग के क्या अवसर दे सकते हैं। बच्चे अपनी समझ का उपयोग दैनिक जीवन की कौन कौन सी परिस्थितियों में कर सकते हैं या बच्चे अपने कौशलों का प्रदर्शन कहां कहां कर सकते हैं, जैसे बच्चे आधे की अवधारणाओं का उपयोग कहां करते हैं या वे अपने दैनिक जीवन में या अपने आसपास के संसार में पूर्ण किसे किसे मानते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि हम भिन्न का कहां कहां उपयोग करते हैं। वास्तव में यह चरण बच्चों के सीखे गए कौशलों का दैनिक जीवन में उपयोग के अभ्यास का होता है। इन अभ्यासों के जरिए बच्चे में इस अवधारणा की गहन समझ विकसित होती है तथा आवश्यक सुधार किया जाता है। पांचवा एवं अंतिम चरण मूल्यांकन या आकलन का चरण। मूल्यांकन के दौरान राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में कही गई एक महत्वपूर्ण बात प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, उन्हें सीखना ही चाहिए, किंतु प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति और तरीके अलग अलग होते हैं, इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। आकलन किसी अवधारणा विशेष में बच्चे की समझ के स्तर को जानने में आपकी सहायता करती है ताकि आप बच्चे के सीखने को उन्नत कर सकें, उसकी अवधारणात्मक समझ को गहन कर सकें। आकलन आपके लिए फीडबैक भी उपलब्ध कराता है। इससे आप यह जान सकते हैं कि कौन सी विशेष अवधारणाएं हैं जो कक्षा के अधिकतर बच्चे नहीं सीख पाए हैं या वह अवधारणा बच्चों ने किस स्तर तक आत्मसात कर ली है। आप कक्षा कक्ष में आकलन करने के विभिन्न तरीके जैसे पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, अवलोकन, अवधारणा का खाका बनाना और समूह आकलन आदि का उपयोग कर सकते हैं। इस चरण के अंतर्गत हमारा कार्य
यह सोचने का होता है कि हम बच्चों की सीखी गई नई अवधारणा के बारे में चिंतन करने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। अर्थात हमें बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वह सीखी गई अवधारणा के बारे में चिंतन कर सके। दूसरा, किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि अधिगम संकेतकों की प्राप्ति हुई है या नहीं, या किस प्रकार बच्चे के सीख लेने का आकलन करेंगे, या आकलन हेतु कौन सी प्रविधि प्रभावी होगी, किस प्रकार का गृह कार्य या दत्त कार्य बच्चों को अवधारणाओं एवं कौशलों के अभ्यास करने, तैयारी करने तथा अनुभवों को विस्तार करने में सहायक होगा। बच्चों से ऐसे प्रश्नों को पूछा जा सकता है कि यह आधा है तो क्यों, या आधा क्यों नहीं है। बच्चों को कुछ चित्र दिखाकर, कुछ फ्लैश कार्ड के जरिए पूर्ण के बनाने या उसके आधे आधे हिस्से ढूंढने में उसकी सहायता करनी चाहिए। कई बार प्रश्न बनाने के लिए भी प्रश्न हमारे दिमाग में आने चाहिए। जैसे यदि मैं कोई प्रश्न बच्चे से करता हूं तो हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि यह प्रश्न किस कौशल या किस समझ की जांच कर रहा है। क्या यह प्रश्न बच्चों को अपनी समझ दिखाने का मौका देता है? अगर कोई विद्यार्थी इस प्रश्न का सही जवाब देता है तो क्या आप यकीन से कहेंगे कि वह अवधारणा को समझता है, या इस प्रश्न को क्या एक से ज्यादा तरीकों से हल किया जा सकता है? प्रिय साथियों, अभी हमने 5 E अधिगम मॉडल पर चर्चा की, जिसके 5 फेज हैं। एंगेजमेंट फेज, एक्सप्लोर फेज, एक्सप्लेनेशन फेज, एलोबोरेशन फेज, इवेल्युएशन फेज। अब आप इन 5 चरणों से परिचित हो चुके हैं। आशा है कि आप गणित ही नहीं अन्य विषय की अवधारणाओं को सिखाने के दौरान इस अधिगम मॉडल का बखूबी उपयोग कर सकेंगे। धन्यवाद।